यहाँ पर निकालते हैं, देन जाके कुछ फिनिशर निकालते हैं तो चांसेस बन सकते हैं। लेकिन जी के प्लेयर टू वहाँ पे गॉडिक्स को डाउन करेंगे, कंफर्म भी करने की वहाँ पे कोशिश की जाने वाली, देखते हैं कि कंफर्मेशन किस तरीके से वहाँ पे निकालेंगे। थोड़ा यहाँ पे जरूर से वो टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आप देखें तो काफी ज्यादा गैप है जो खिलाड़ी नॉक है और बाकी प्लेयर्स यहाँ पे, उनके बीच में थोड़ा सा गैप ज्यादा मैं देख पा रहा हूँ, तो ट्राई हार्ड थोड़ी सी करने की यहाँ पे जरूरत है और वो करेंगे भी यहाँ पे। लेकिन कवर फायर जो कि चाह रहे थे शायद वो वक्त रहते ना मिल पाया। ब्लाइंड की भी टीम यहाँ पे आ चुकी है फाइट करने के लिए, तो एमवाईएम की मुश्किलें तो बढ़ी है और मुश्किलें बढ़ाने के लिए रॉनी आएंगे और यहाँ पे नॉकआउट निकाला जाएगा। वॉरियर आगे बढ़ने का ट्राई था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े उन्हें भी वहाँ पे डाउन किया जाएगा। की बात करें तो दूर से ये भी अपने स्प्रेज, अच्छे खासे स्प्रेज यहाँ पे ट्राई करेंगे, कुछ फिनिश निकाल सके। बट रॉनी की बात करें वो अकेले तीन फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे और उसके जस्ट बाद उन्हें डाउन किया जा चुका है। लेकिन थर्ड पार्टी जो करते हैं उन पे जरा थर्ड पार्टी एक बार करके दिखाए तो जाने, बट नहीं, यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है। जोकर तैयार खड़े थे, जैसे ही उन्होंने इंटर किया खिलाड़ी को डाउन करेंगे, दूसरे खिलाड़ी की तरफ जाने से पहले वहां पे उन्हें जोकर को इस ट्वेल के का झटका और एक फटका यहाँ पे दिया जाता है। बट अगेन निंजा बॉय आएंगे, मान्या को यहाँ पे डाउन किया गया। तो कुल मिला के ब्लाइंड जो थर्ड पार्टी यहाँ पे करने आए थे चीजें बेहतर हुई, लेकिन उसके कुछ समय बाद ब्लाइंड की भी हालत काफी ज्यादा खराब है और ये ग्रेनेड अगर वहां पे कनेक्शन बनाया तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली। थ्रो तो काफी कमाल का है, रॉनी को यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा, कंफर्म भी बड़े आराम से हमें करते हुए देखने को मिल जाएंगे। निंजा बॉय एक 1v3, क्या एक 1v4 कर सकते हैं? जी हां, एक 1v4 हमें देखने को मिल जाएगा, वो भी किसके अगेंस्ट? ब्लाइंड के अगेंस्ट। बिलीव इन ब्लाइंड हम जरूर बोलते हैं, लेकिन बिलीव एक बार निंजा की तरफ भी करके देखे, क्योंकि ये खिलाड़ी भी बहुत क्षमता रखते हैं अपने इस ट्वेल के साथ। यार आपकी पूरी टीम बची है, हम प्लान कर रहे हैं कि आप फाइट ले रहे हैं टीम ब्लाइंड से, वो टीम जो लिटरली बहुत सारी टीमों के सपने तोड़ चुकी है, वो टीम जो डोमिनेट कर रही है, और उस पूरी टीम को सिंगल हैंडेडली 1v4 करके चल जाते हैं। निंजा, आर यू किडिंग यार, ये तो बुली करना हो गया, ये तो मतलब आपने लिटरली दिखा दिया टीम ब्लाइंड को कि देखिए आपने कोशिश की बताने की कि आप बेस्ट हैं, पर इतनी जल्दी नहीं। निंजा वो है, नाम तो सुना ही होगा, ये वो वाली एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन थी, काफी बढ़िया खेल गया। निकालना पड़ेगा स्मोक वॉल्स, क्रिएट की गए हैं, रिवाइवल देने की कोशिश है, बच्चे स्पीड से जिसमें आगे जा रहे हैं वो रुकने का तो नाम नहीं वाले, स्टक बचना पड़ेगा यहाँ पे, दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकती है। अगेन वन ऑफ दी वेरी गुड प्लेयर्स, बट व्हीकल क्लास होता हुआ दिखेगा यहाँ पे, उतरेंगे शोगन को डाउन करने को, बट शोगन अगेन प्रूविंग हिमसेल्फ, एक और उम्दा कनेक्शन। टीम ग्लेडिएटर्स एक साथ दो टीमों के साथ फाइट, और आप इस टीम को रोक नहीं सकते दोनों फाइटों में। एग्रेशन की तरफ से आ रहा, फाइट नजरअंदाज नहीं करे, वरना अक्सर स्लो फाइट की तरफ जाते थे, सीधा एंट्री करेंगे और एंटिटी गार्ड को फिलहाल वहाँ पे डाउन किया जाएगा और बड़े आराम से मुझे लगता है वहाँ पे उन्हें फिनिश भी करते हुए देखने को मिल जाएगा। बट जी के 24 एक ग्रेनेड फेंकेंगे, विजगॉड डाउन होंगे, सारंग वहाँ पे गॉड को आई थिंक कन्फर्म भी करेंगे, तो एक बेहतर फाइट हम यहाँ पे एंटिटी के एंड से होते हुए देखने की कोशिश जरूर थी, लेकिन अपने एक खिलाड़ी को गवा चुके और अब बाकी तीन प्लेयर जिसमें से गमला बॉय के पास वो हाइट है, पुकार को यहाँ पे डैमेज दे सकते हैं, डैमेज दिया भी गया, नॉक आउट जी हाँ कहा जाएगा, जी हाँ बड़े आराम से उन्हें डाउन कर चुके हैं। साथ ही साथ ग्रेनेड का पिन आउट करके सीधा नीचे जाएंगे एक्स पार्क, एक बहुत बड़े मुसीबत में फंसते हुए धीरे धीरे। टीम आर्क, एक टीम एक्स पार्क का एवर्ट से एलिमिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा निकट आपको दिख रहा है, अभी ड्रीम जो है वो रिवाइवल खिलाड़ी बहुत बहुत आगे जाने वाला है। लेकिन एमवीपी की बात करते हैं, वो खिलाड़ी जिन्होंने एक बहुत उम्दा 1v4 करके दिखाया, और वो भी छोटी मोटी कोई टीम नहीं, ऐसी वैसी कोई टीम नहीं, टीम ब्लाइंड टेबल टॉपर्स को किया है 1v4, और किसने किया? The irony is, टेबल टॉपर्स को सबसे बॉटम में बैठी टीम ने 1v4 कर दिया। निंजा वाई वो खिलाड़ी थे, 5 फिनिशेस ओवरऑल, डैमेज 728 का और फिनिश कॉन्ट्रीब्यूशन 71%। एक डायरेक्शन को ही देख सकते हैं आप, मल्टीपल एंगल्स में नहीं जा पाओगे और इसका फायदा यहाँ पे मिला। बट अरु आएंगे और फिर से ग्रेनेड करेंगे, फिर से यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाएंगे रैबेली के प्लेयर्स के लिए, बचे केवल दो प्लेयर। अब ग्रेनेड ये भी करना चाह रहे हैं, आई थिंक ये एक फेक ग्रेनेड था जिसके साथ वो आगे निकल पड़े और बिल्कुल अपने उस चाल में फंसाते हुए आरू को और मैच से बाहर का रास्ता दिखाया गया। आप बहुत ही ध्यान गॉड्सरेन, तीन फ्रैग और सामने की तरफ राइवलरी, वेरा उसके अंदर रिवाइवल हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल करेंगे, ये ग्रेनेड कुछ चमत्कार करेगा या नहीं? गॉब्लिन डाउन होते हुए जूसी ने किया है डाउन, और अभी के लिए ब्लेस का ये ग्रेनेड कुछ कमाल कर तो नहीं पाया, लेकिन निंजा जॉर्ड राइवलरी प्रो का कन्फर्मेशन आता हुआ, जी फाड़ IGL नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ग्रेनेड का इस्तेमाल यहाँ से भी हो रहा है। इन द मीन टाइम एके ओपी ने अक्षत को टेक डाउन किया है टीम सोल के ऊपर, और रांगटान की कवर्स के नाम पे बहुत लिमिटेड चीजें आपके पास रहेंगी, तो ध्यान से अपने एक एक कदम को बढ़ाएं, वो आर्टिफिशियल कवर्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए आप व्हीकल उठा ले, या फिर अगर एकाध शैक है या फिर वो रिचेस है तो उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स के माया भी को आई थिंक यहाँ पे रनिंग व्हीकल से गिराने की कोशिश थी, उस दौरान वो गिर पड़े और उन्हें इस मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा, तो कोच साहब के लिए थोड़ा ये मैच खराब जाता हुआ। मैं इसके बाद
एलिमिनेट यहां से कर दिए गए हो क्योंकि ओआर को बहुत सारे अंक की जरूरत है उस टॉप 16 में आने के लिए, और हल्का सा यहां पे फंसते हुए हमें देखने को मिले इस हॉस्पिटल के इलाके में, चाहे क्योंकि उनको सर्वाइवल के भी पॉइंट्स अगर आते हैं तो बेहतर, अगर फिनिश पॉइंट 10-15 निकाल लेते तो वो भी बेहतर, दोनों में से कोई एक चीज को टारगेट करना पड़ेगा, तो फिनिश करे या सर्वाइवल की तरफ जाए वो उनकी कॉल रहने वाली, वो वक्त के साथ पता चलेगा। आईडी की बात करते हैं, यहाँ पे इंतजार करेंगे अपने स्वे के साथ, क्लियर आ चुका है, एक लड़की को यहाँ पे डाउन करके बड़े आराम से फिनिश भी करने की कोशिश की जाएगी अगर रिलोड ना हो तो। जी हाँ, बड़े आराम से वहां पे फिनिश ऑफ भी कर दिया गया। ये एक साथ बढ़ने का डिसीजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ देखने को मिला क्योंकि खिलाड़ी को गवा चुके, दो फिनिश पॉइंट यहाँ पे मिला गॉडलाइक को, दो फिनिश पॉइंट मिला यहाँ पे ऑटोबॉट्स को, लेकिन इस फाइट में अब थोड़ा सा अपर हैंड वापस से मैं गॉडलाइक की तरफ बोलूंगा क्योंकि चार खिलाड़ी है अलग अलग डायरेक्शन से आप इस्लाम करते हुए कोशिश की जाएगी आतंकी की तरफ से, ये ग्लोबल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के ऊपर एक लाख पीछे थे और एलिमिनेट यहां पर किया जाएगा WSB की पूरी स्क्वाड को 13वें स्थान पे। ऑटोबॉट्स ग्रेनेड अपनी तरफ से थ्रो कर रहे, कनेक्शन शायद इसमें उन्हें कर पाएगी, जी नहीं लग तो रहा है, वहां पे सफर समाप्त हो चुका है, लेकिन उन्होंने अच्छे खासे फिनिशर्स निकाले जिसके बदौलत वो हमें शायद उस टॉप 16 पे आते हुए देखने को मिल जाए। नतीजा ओवरऑल साइडिंग के साथ बताएंगे, लेकिन यहाँ पे प्लेयर 12 भी डाउन होंगे। ग्लोबल स्पोर्ट्स जैसा बताया गया था कि जाते जाते एक अच्छे मैच तो जरूर आप दिखाए, और वही यहाँ पे कोशिश रहेगी, चार फिनिश पॉइंट निकाले जा चुके हैं इनके तरफ से और अभी भी और ज्यादा बेहतर करने की यहाँ पे कोशिश रहेगी। यहाँ पर डाउन लादिंग का कंफर्मेशन स्लग की एचपी कम्स तक को भी डाउन, प्लस दी नंबर ऑफ पॉइंट्स आर गेटिंग फ्रॉम पोजीशन 3 पॉइंट्स और तो 6 अंक ऑलरेडी बन चुके हैं, टीम लादिन को रिस्क नहीं लेंगे, वो भी सर्वाइव करेंगे। टीम जी फाइट लेके लादिन को करेंगे यहाँ पर डाउन, लादिन का कंफर्मेशन स्लग की एचपी कम्स तक को भी डाउन किया जाएगा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। अगर लादिन को आप गवा के भी 2-3 फ्रैक्स निकाल सकते हैं, आप एक पूरी टीम को बाहर कर सकते हैं, स्टिल थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर यू, स्टिल आपके पास एक मौका रहेगा कि आप अच्छे खासे पॉइंट्स लेके जाए। एक प्लेयर बजाने से अच्छा वो आप 2-3 पॉइंट अभी के लिए अपने लिए बटोर ले, जमा कर लें। हाँ, अगर टीम बहुत टॉप पे होती तो ये चीज हम नहीं कह सकते, बट बिकॉज बॉटम पे है इसे समझ आता है, एक खिलाड़ी गवाया जरूर। लेकिन तो बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पे सेंसे को स्पॉट किया गया, सेंसे को बाहर भी करेंगे, वो दूसरा सर्वाइवल पॉइंट यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स के पास आ चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस मैच के बाद भी ग्लोबल स्पोर्ट्स यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। बट जाते जाते जिस बात का हम जिक्र किए थे, कुछ अच्छे नोट पे इवेंट को एंड करना भी एक अच्छे प्लेयर की निशानी मानी जाती है, हार ना मानने की जो बात थी वो हमें जरूर से प्लेयर जी के इस 24 की तरफ से देखने को मिला। लेकिन एक्सपाक एक और चिकन डिनर की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल जाने वाले, बड़े आराम से मुझे लगता है कि इस मैच का चिकन डिनर की तरफ आएगा एक हल्का